तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं IQ Z6 Pro 5G की, तो जो काफ़ी ही हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिस इंटरेस्टिंग प्राइस रखी गई है और सब कुछ ही टॉप ऑफ द लाइन फ्यूचर है, इसमें फ्लेक्सिबल फ्यूचर है लेवल के मोबाइल में आते हैं वो फ्यूचर है। तो ये IQ Z6 Pro इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फोन है। IQ ने अपना एक गेमिंग फोन बनाता है, तो वो 5G भी है और गेमिंग मोबाइल भी है, और आप बात करते हैं कैमरे कामरे सभी में टॉप ऑफ द लाइन है। तो आप इसको जब अनबॉक्स करते हैं डिब्बे को, तो उसको आपको 66 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है और टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है, जो काफ़ी ही तगड़ी, और एक्सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, डॉक्यूमेंट डिटेक्शन टूल भी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको और डिस्प्ले के अंदर बात कर लेते हैं, तो डिस्प्ले है वो आपको 6.44 इंच की फुल HD+ एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, और वो है 19Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और टच सैम्पलिंग रेट है वो 180 मिलती है, और 36 आपको पिक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो आप अपने रूम के अंदर मोबाइल यूज करो या धूप के बाहर जाकर मोबाइल यूज करो, आपको पता ही नहीं चलेगा इतनी अच्छी ब्राइटनेस है उसकी टॉप ऑफ द लाइन। और जो बेजल्स है वो भी काफ़ी अच्छे एवरेज साइज के, ऊपर आपको वाटर नोच मिल जाती है जो ओल्ड हो चुकी है, और आपको स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट मिल जाता है स्क्रीन पर, जो काफ़ी सुपर फास्ट फिंगरप्रिंट है, और फेस लॉक मिल जाती है। तो हम बात करते हैं कैमरा, जो कैमरा आता है बैक साइड में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 64 MP का, और अल्ट्रावाइड मिलता है 8 MP का, और 2 MP का माइक्रो कैमरा, और आपको जो वाटर ड्रॉप नोच है वो ओल्ड वो आपको 16 MP की मिलती है, जो काफ़ी फोटो अच्छी भी आती है, क्वालिटी भी अच्छी है। और आप इसमें प्रोसेसर की बात करते हैं, प्रोसेसर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 786G 5G प्रोसेसर, जो 5 नैनो बेस्ड प्रोसेसर है, जो काफ़ी अच्छा है, और आप इसमें ना 4K में वीडियो रिकॉर्ड्स कर सकते हैं बैक से, और आगे फुल HD में 60 FPS पर, जो काफ़ी अच्छी बात है। और आपको कैमरे के अंदर डुअल यूज मोड मिल जाता है, जो आप बैक और फ्रंट दोनों कैमरा एक साथ यूज कर सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए काफ़ी तगड़ा कैमरा दिया गया है इसमें। और हम बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी, जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो 7 5G बैंड मिलते हैं, और वाईफाई 6 मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग की सपोर्ट में ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है, और बस वो डुअल 4G वोल्टी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आपको स्टोरेज टाइप की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज टाइप आपको UFS 2.0 मिल जाती है, और रैम अब वो आपको LPDDR4X मिल जाती है। तो आज की अनबॉक्सिंग बस इतनी ही, आई होप कि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया।